हेलो, आवाज आ रही सभी को? ओके, ठीक है। सो होमवर्क किया सभी ने? ओके, ठीक है। सो आज हम अभी फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ओके, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। एफबीओ हो गया है, यूट्यूब पर देख लेना, मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया है। आमिर, एफबीओ हमने डिस्कस कर लिया है। हेलो, नहीं आज अभी पहले ये डिस्कस कर लेते, बिकॉज अभी काफी लोगों का ये हुआ नहीं है। ठीक है, पहले हम ये वाला कर लेते हैं डिस्कशन, देन आगे चलते हैं। हाँ, स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर वन, द इक्वेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, सॉरी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए गैस रिएक्शन इज दिस, राइट द बैलेंस रिएक्शन। तो देखो यहां पर क्या है, केसी हमें क्या दिया है, इट इज एन एच थ्री रेज टू फोर, ओ टू रेज टू फाइव डिवाइड बाय एनओ रेज टू फोर एच टू रेज टू सिक्स। तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में होता है ना, एंड इसके साथ साथ ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज फोर एनओ
प्लस सिक्स एच टू ओ गिव्स फोर एन एच थ्री प्लस फाइव ओ टू। ओके सो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। देन इन क्वेश्चन नंबर टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वॉज मेजर्ड एट 800 केल्विन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट 800 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, ट्वाइस एसओ टू गैस प्लस ओ टू गैस गिव्स ट्वाइस एसओ थ्री गैस। तो इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, तो क्या होगा ये एसओ थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय एसओ टू का स्क्वायर इंटू ओ टू। वॉट इज एसओ थ्री का स्क्वायर, मतलब वॉट इज एसओ थ्री कॉन्सेंट्रेशन, इट इज फाइव इंटू टेन रेज़्ड टू पावर माइनस टू। तो इसका स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय एसओ टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है, थ्री इंटू टेन रेज़्ड टू पावर माइनस थ्री। तो इसका भी स्क्वायर आएगा। इसके अलावा ओ टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इट इज फाइव इंटू टेन रेज़्ड टू पावर माइनस टू। ओके सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर एक फाइव बच जाएगा एंड नीचे ऑब्वियसली नाइन, फाइव बाई नाइन। इसके अलावा पावर में क्या आएगा, ऊपर माइनस फोर है नीचे माइनस एट हो जाएगा, तो टेन रेज़्ड टू प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है सो ये हमारे पास केसी हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द फॉलोइंग गैसियस फेस इक्विलिब्रियम इन ए 5 लीटर फ्लास्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसओ टू एंड एसओ थ्री आर इक्वल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू एट इक्विलिब्रियम। तो देखो हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन, तो इसका जो केसी का एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, इट इज एसओ थ्री कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एसओ टू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर एंड ओ टू कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है एसओ थ्री एंड एसओ टू के क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी ना, तो एसओ थ्री कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, एसओ टू कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो यहां से केसी क्या आएगा, सो केसी इज नथिंग बट वन बाय ओ टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है तो हमें यहां पर केसी जो है वो कितना दिया हुआ है, केसी दिया है फाइव, तो ओ टू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इट इज वन बाय केसी, हम बोल सकते वन बाय फाइव। तो ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन वन बाय फाइव हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू क्या होगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम कर देंगे ना, सो वन बाय फाइव इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास कंटेनर का, सो वॉल्यूम इज फाइव। ओके सो कितना आ गया हमारे पास, वन मोलर। क्लियर है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। देन क्वेश्चन नंबर फोर, तो फोर्थ में फॉर द इक्विलिब्रियम ट्वाइस NOCl गैस गिव्स ट्वाइस NO गैस प्लस Cl2 गैस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट Kc। तो इसका हमें Kc दिया है, Kc कितना दिया है, इट इज 3.75 इंटू 10 raised to power minus 6। तो हमें Kp निकालना है, टेम्परेचर ऑब्वियसली दिया है 1069 केल्विन। तो Kc और Kp में क्या रिलेशन था,
केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी. सो वॉट इज डेल्टा एन जी? इट इज थ्री माइनस टू दैट इज वन. सो केपी क्या आएगा? क्या होगा वैसे? तो ये हो जाएगा 3.29 into 10 raised to power minus 4. Okay, so that will be KP. The next question. Question number 5. In the industrial synthesis on hydrogen, mixture of CO and H2 are enriched in H2 by allowing the CO to react with steam. The chemical equation for this is called water gas shift reaction. So, हमें जो reaction दी हुई है वो क्या है? CO gas plus H2O gives CO2 गैस प्लस H2. तो इफ एट 200 डिग्री सेल्सियस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज दिस H2 CO एंड ये सब दिया है तो केपी निकालना है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही करना है. सो केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O. ओके, सॉरी वैल्यू हमें दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दो. सो CO2 का कितना दिया है? 0.2. H2 का कितना दिया है? 0.1. CO का कितना दिया है? 2 ATM दिया है. एंड H2O का हमें दिया 0.01 ATM. ओके, तो क्या आएगा ये? सो दिस इज आई थिंक 1. क्या निकालना है? ओके, केसी निकालना है. ठीक है, केपी आ गया तो केसी भी आ जाएगा. नाउ डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी जीरो है ना. सो इफ डेल्टा एन जी जीरो देन केपी इज इक्वल टू केसी होता है ना, तो ऑब्वियसली केसी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. प्रेशर दिया हुआ है ना, तो पहले केपी निकालेंगे. अगर केपी आ गया देन केपी से केसी निकाला जा सकता है यूजिंग रिलेशन. क्लियर है? The next one. So, calculate the equilibrium constant for the reaction H2 plus CO2 gives H2 plus CO at this much Kelvin. So, हमें देखो किस reaction का दिया है. हमें दिया है twice H2O. Gives twice H2 plus O2. इस रिएक्शन का K दिया है, कितना दिया है इस रिएक्शन का K?
it is given as 2.1 into 10 raised to power minus 13. ओके okay, इसके अलावा दूसरी रिएक्शन हमारे पास है ट्वाइस CO2 गिव्स ट्वाइस CO प्लस O2. इस रिएक्शन का K जो है वो क्या है 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12. एंड हमें देखो किसका निकालना है, हमें निकालना है H2 प्लस CO2 गिव्स H2O गैस प्लस CO गैस. तो ये रिएक्शन जो है ऊपर वाली रिएक्शन के थ्रू कैसे आ सकती है देखो. तो हमें H2O चाहिए राइट हैंड साइड एंड CO चाहिए राइट हैंड साइड. तो देखो H2O फर्स्ट वाली रिएक्शन में लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है एंड CO राइट हैंड साइड है सेकंड वाली रिएक्शन. ठीक है, तो मतलब सेकंड वाली रिएक्शन को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे. लेकिन ऐसा करने पर भी हमारे पास देखो ट्वाइस H2 एंड ट्वाइस CO आएंगे. तो बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करना है बट रिवर्स करने के बाद भी 2 से डिवाइड करना है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाली रिएक्शन को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करो एंड सेकेंड वाली रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो के है वो क्या आ जाएगा, इट इज ना जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे वो नंबर पावर में चला जाता था, याद आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में. तो के टू रेज टू हाफ मतलब रूट ऑफ के टू एंड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√K1. ओके, तो के क्या आ जाएगा, रूट ऑफ के टू बाय के वन मीन्स 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13. तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/3 का रूट. ओके, सो दैट विल बी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. हाँ, वाईफाई चला गया था बीच में. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. तो सल्फाइड आयन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन रिएक्ट विथ सॉलिड सल्फर टू फॉर्म पॉलीसल्फाइड आयन हैविंग फॉर्मूला दिस. ठीक है, तो सल्फाइड आयन होता है H2 नेगेटिव.
तो एस टू नेगेटिव सल्फर से जब रिएक्ट करता है तो वो जो हमें आयन सी है वो बनते हैं। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस टू टू नेगेटिव इज दिस। तो किसके से रिएक्शन है? एस और एस टू नेगेटिव का रिएक्शन। ओके, तो इससे जब हमारे पास क्या बन रहा है? एस टू टू नेगेटिव बन रहा है। तो इसका के जो है वो हमें दिया है 12। ठीक है, इसको के वन ले लेते हैं। चलो तो ये 12 दिया है। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस थ्री टू नेगेटिव, तो एस थ्री टू नेगेटिव भी इन्हीं से बनेगा। एस थ्री टू नेगेटिव कब बन सकता है? जब 2s प्लस एस टू नेगेटिव आएगा। तो इसका के हमें दिया है, इसको के टू ले लेते हैं, कितना दिया? 1/3। ठीक है, सो बोथ फ्रॉम s, अच्छा वो लिखा है बोथ फ्रॉम s टू नेगेटिव नहीं है, वो बोथ फ्रॉम s एंड s टू नेगेटिव कर रहा है ना, बोथ फ्रॉम s एंड s टू नेगेटिव। तो दोनों जो है s, ये जो दोनों जो है किससे बने? s एंड s टू नेगेटिव से। ओके, बोथ फ्रॉम s एंड s टू नेगेटिव करना, 2 की जगह एंड आएगा वो। तो फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो किस रिएक्शन का निकालना है? तो फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ s थ्री टू नेगेटिव फ्रॉम s टू टू नेगेटिव एंड s। ठीक है, तो s टू टू नेगेटिव और s से मिलके जब s थ्री टू नेगेटिव बनता है, मतलब ये रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे आएगा भाई? देखो, ये हमें चाहिए राइट हैंड साइड, तो देखो ये राइट हैंड साइड ही है। इसके अलावा हमें s टू टू नेगेटिव चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में s टू टू नेगेटिव बट वो राइट हैंड साइड है, हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड लेके आना, मतलब इसे मल्टीप्लाई बाय -1, ये हम बोल सकते रिवर्स करना है, एंड सेकेंड वाली को मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय -1 करना है, मतलब ऑब्वियसली इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K2/K1। ओके, तो क्या आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 130/12। सो दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन रोहन, हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, इसका दिया था और इसका निकालना था। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आ सकता है? ये वाली रिएक्शन को बाकी गिवन रिएक्शन से यूज करके बनाना है। तो ये रिएक्शन कब आ सकती है? ये वाली रिएक्शन ये आ सकती है जब हम इस रिएक्शन में से इसको माइनस करते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन में से फर्स्ट को माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। तो 130/12। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ट्वाइस एंड नो गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस NO2 गैस। इज गिवन बाय, तो इसका हमें रेट जो है वो क्या दिया है? तो रेट इज, अब देखो रेट क्या होता है? ऑब्वियसली इस रिएक्शन का रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट होगा। ठीक है, तो वो हमें क्या दिया? 2.6 × 10³ NO² × O2। ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। तो ये क्या हो गया? ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन का भी उन्होंने रेट दिया, रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या दिया है? तो रेट जो है बैकवर्ड रिएक्शन का, मतलब आर बी, वो क्या है? इट इज 4.1 × NO कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, NO2 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। सो ये जो है ये क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है यार? पहले ही बताया, इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट। तो 2.6 × 10³/4.1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर हेलो आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो आवाज आ रही है? ओके तो वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा था, अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, दो बार डिस्कनेक्ट हो चुका है उससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द गैसियस रिएक्शन N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। फॉर द गैसियस रिएक्शन दिस द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड N2 आर दिस। हमें यहां पर H2 और N2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। तो टोटल प्रेशर कितना दिया है? टोटल प्रेशर हमें दिया है 2.8। तो एक्चुअली उन्हें मेंशन करना चाहिए था, ये जो प्रेशर हमें दिए हुए हैं सब इक्विलिब्रियम वाले दिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना दिया? इट इज 0.8। हाइड्रोजन का कितना है? इट इज 0.4। और NH3 का मान लो XATN। तो हमारे पास ये 2.8 जो है किसके इक्वल आना चाहिए? 0.8 प्लस 0.4 प्लस X। यहां से एक्स की वैल्यू क्या हुई? इट इज 1.68, ठीक है। तो ये सब जो हमें दिया ये इक्विलिब्रियम वाला दिया, ओके। तो इक्विलिब्रियम वाला हमें अगर दिया हुआ है तो अब देखो हम केपी निकाल सकते हैं, हमें यहां पर केपी निकालना है, ठीक है। सो अच्छा केपी क्या होगा? सो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 raised to 3। सो व्हाट इज NH3 का पार्शियल प्रेशर? इट इज 1.6। तो 1.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का कितना है? 0.8 एंड H2 का कितना है?
0.4 raised to 3 हो गया, ठीक है। सो कितना आएगा ये, तो इट इज 16 divided by 0.32 है ना, तो आई थिंक 50 आ जाएगा, 1600 by 32 ना, दैट इज 50। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1 mole ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विथ 3 mole ऑफ हाइड्रोजन इन 4 liter कंटेनर, इफ 0.25% ऑफ द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय फॉलोइंग रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, व्हाट विल बी द केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले इस रिएक्शन का निकाल लेते हैं, N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, तो हमें यहाँ पर इनिशियल कितना दिया है, इनिशियल मोल्स जो है वो कितने दिए हैं, नाइट्रोजन का 1 दिया है और हाइड्रोजन का 3 दिया है, इसका 0 है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि कितना रिएक्ट किया, 25% नहीं, 0.25% रिएक्ट किया, ओके तो 0.25% रिएक्ट किया है, तो 0.25/100 इतना रिएक्ट कर गया, ओके वन से कितना रिएक्ट करेगा, 0.25/100, तो बचा कितना, बचा हमारे पास ये 99.75/100, कितना मोल इसका बचेगा। इसके अलावा अगर इसका इतना रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा, 3 times, सो 3 minus कितना रिएक्ट किया, 0.75/100, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 99.75/100, ये आ जाएगा सर 3 into 99.75/100, ठीक है। इसके अलावा NH3 कितना बनेगा, तो 1 से बनता है 2, तो इतने से कितना बनेगा, 2 times, मतलब 0.5/100। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए, कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4 liter, ठीक है। सो व्हाट इज केसी, तो केसी इज NH3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 कॉन्सेंट्रेशन एंड H2 कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 3। सो NH3 का कितना होगा, 0.5/100 डिवाइड बाय वॉल्यूम भी करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय N2 का क्या होगा, 99.75 बाय वॉल्यूम भी करेंगे, तो ये N2 का आ गया। इसके अलावा H2 का क्या होगा, इट इज 3 times ऑफ 99.75 डिवाइड बाय 4 into 100 एंड रेस टू 3, तो ये यहाँ पर केसी आ जाएगा, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है देख लेना, तो इस रिएक्शन का केसी आ जाएगा। नाउ इसके बाद किसका निकालना है, दूसरा जो है वो क्या है, रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अगर हम रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पावर हाफ, जो हाफ है वो पावर में चला जाएगा ना, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं रूट ऑफ, तो K2 जो है, मतलब सेकेंड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसका रूट हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द रिएक्शन CO+2H2 gives CH3OH, hydrogen gas is introduced into a 5 liter vessel at 327 degrees containing 0.2 mole of CO and a catalyst until the pressure is this. At this point, this much of CH3OH is formed. Calculate the equilibrium constant. So, मान लो हमने A मोल्स हाइड्रोजन के ऐड किए और CO का तो पता ही है कितना है, CO हमने लिया है 0.2 mole, ओके नाउ इसका इनिशियली 0 है,
तो इनिशियल हो गए. नाउ एट इक्विलिब्रियम मान लो सीओ का एक्स मोल रिएक्ट किया तो बचेगा कितना 0.2 माइनस एक्स. अगर सीओ का एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो एच टू का कितना करेगा, अगर सीओ का एक्स मोल रिएक्ट किया तो एच टू का कितना करेगा, 1:2 रेशियो है ना. तो अगर सीओ का एक्स कर रहा है तो एच टू का 2x करेगा. सो ए माइनस 2x. सी एस थ्री ओ एच का कितना बनेगा, तो 1 से बनता है 1, तो x से कितना बनेगा, x से x ही बनेगा. ठीक है. सो ये एट इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया. नाउ टोटल मोल्स क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, एंड टोटल इज इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स प्लस ए प्लस 2x प्लस x. तो कितना आ गया ये, दिस इज 0.2 प्लस ए प्लस 2x है ना. इसके अलावा एक और चीज हमें दी हुई है, उन्होंने बोला है सी एस थ्री ओ एच जो है वो कितना है, 0.1 मोल है. ठीक है, तो सी एस थ्री ओ एच जो है हमें पता चल गया 0.1. ओके, सी एस थ्री ओ एच कितना हो गया, 0.1 हो गया, मतलब x की वैल्यू 0.1. तो अगर x की वैल्यू 0.1 है तो ये क्या हो गया, एंड टोटल कितना हो गया फिर, इसको हम बोल सकते हैं 0.2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.1 प्लस a. तो कितना है, दिस इज नथिंग बट 0.4 प्लस ए है ना. सो ये टोटल मोल्स हो गए. नाउ इसके साथ साथ टोटल प्रेशर भी हमें दिया हुआ है 4.92 दिया है ना. तो पी दैट इज 4.92 इंटू वॉल्यूम कितना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं. ओके, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर कितना, 4.92 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 5 लीटर, n इज 0.4 प्लस a इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है, 327 डिग्री मीन 600 केल्विन हो गया ना. तो यहां से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे. ओके, यस दिस इज a माइनस 2x. तो कितना आएगा ये, ओ सॉरी सॉरी हमने मिस्टेक किया ना. हाँ ये a माइनस 2x था. हाँ तो a माइनस 2x था, फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा. x से x कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस है तो माइनस 2x है. कैंसल आउट हो गया ना, 0.2 से 0.2 दे क्या आएगा, ए आएगा. ओके, सो टोटल मोल्स इज ए. ओके, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4.92 तो एक ही वैल्यू 1 आ गई. एक ही वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. ओके, सो अब हमें देखो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए सभी के. एक ही वैल्यू मिल गई तो हमें इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए ना. तो कितने कितने होंगे यार, तो सीओ प्लस 2H2 सी एस थ्री ओ एच ये था. तो एट इक्विलिब्रियम क्या क्या था, सीओ का कितना था एट इक्विलिब्रियम, सीओ था 0.2 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू थी 0.1 है ना. तो 0.2 माइनस एक्स दैट इज 0.1. एच टू क्या था, एच टू था ए माइनस 2x और ए की वैल्यू आई है 1, तो 1 माइनस 2x तो ये वैल्यू आ गई 0.8. इसके अलावा CH3OH कितना है वो तो पता ही हमें, 0.1 है. तो ये एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ गए, सभी के मोल्स आ गए. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर KC और KP दोनों निकालने. पहले KC निकाल लेते हैं. तो व्हाट इज KC, तो KC इज CH3OH कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 0.1 बाय वॉल्यूम कितना है 5 है ना, डिवाइड बाय 0.1 बाय 5
एंड दिस इज 0.8/5 का स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा केसी, केसी हमारे पास आ जाएगा ये 25/0.64. ठीक है, बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो गया. ये इसको हम लिख सकते हैं 2500/64. तो ये केसी आ गया. व्हाट अबाउट केपी? तो डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी 1-3 दैट इज -2. सो डेल्टा एनजी है तो केपी क्या होगा? केपी इज केसी इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना 600 केल्विन रेज टू -2. ठीक है, तो यहां से केपी भी आ जाएगा. ओके, आगे चलते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. 12 तो करा दिया ना क्लास में. क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट टाइम ही कराया था ना क्लास में. ठीक है, सो 13 पर चलते हैं. The reaction CO plus 3H2 gives CH4 plus H2O is at equilibrium at 1300 Kelvin in 1 liter flask. Now the gaseous equilibrium mixture contains, तो हमारे पास already equilibrium है, तो उसमें क्या क्या है? उसमें 0.3 मोल है CO के, H2 के कितने हैं? H2 के 0.1 मोल हैं, CH4 के कितने हैं? CH4 के अननोन अमाउंट है, मान लो A मोल है CH4 का, एंड H2O का कितना है? H2O का 0.02 मोल. तो इक्विलिब्रियम पे हमें मोल्स दिए हुए हैं. नाउ डिटरमाइन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH4 इन द मिक्सचर. द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें, वॉल्यूम 1 लीटर है. सो देखो ये ऑलरेडी हमें क्या इक्विलिब्रियम पे दिया होगा. ठीक है, सो व्हाट इज केसी? तो केसी क्या होगा? CH4 कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. तो ए बाय 1 इंटू 0.02/1 डिवाइड बाय 0.3/1 एंड दिस इज 0.1/1. ओके, एंड व्हाट इज केसी? केसी कितना दिया यार? केसी हमें 3.9 दिया है. ओके, सो 3.9 इज इक्वल टू ए इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.03. ओके, सो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी? इट इज 3.9 इंटू 3/2. ये ए का वैल्यू आ गया. एंड क्या हुआ ये? This is nothing but 5.85. Okay, so 5.85 A का value हो गया. Now, what about concentration? So number of moles by volume. So concentration भी यही हो जाएगा because volume जो है वो 1 liter. Okay, so this is question number 13. Now question number 14. Phosphorus pentachloride means PCl5 को decompose हुआ PCl3 and Cl2. Okay, so PCl5 जो है PCl3 और Cl2 में decompose हुआ and 1.5 mole जो है PCl5 हमने लिया था 500 ml vessel में और ये इक्विलिब्रियम पे गया था. तो इज एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम विद इट्स डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ PCl3 एंड Cl2. केसी हमें दिया हुआ है, केसी हमें दिया, हमें फाइनल कितना कितना मोल्स हैं
वो निकालना है। तो इनिशियल मोल्स कितना है इसका, 1.5 है, इसका जीरो, इसका जीरो, ठीक है, ये इनिशियल है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली दीज आर मोल्स, तो एट इक्विलिब्रियम मान लो PCl5 का x मोल रिएक्ट कर लिया, तो बचा कितना, 1.5 माइनस x, इसका कितना बन गया x, इसका कितना बन गया x। नो व्हाट इज Kc, तो Kc जो है वो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, फाइंड देन x बाय 0.5। तो क्या आ जाएगा ये, तो Kc कितना दिया है, Kc हमें दिया है 1.8, तो दिस इज 1.8 इज इक्वल टू, देखो x स्क्वायर अपॉन 1.5 माइनस x, इसके अलावा 0.5 भी आ गया, तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें x मिलेगा, और x मिल गया तो सभी का मोल्स आ जाएगा, तो व्हाट इज दिस, तो इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 इंटू 1.5 माइनस x, हम बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0.9x प्लस 1.35 सॉरी माइनस 1.35 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ रही है, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, क्लियर है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। मुझे ऐसा लग रहा है काफी कम लोगों ने होमवर्क किया है, होमवर्क वगैरह नहीं कर रहे ना बराबर, तो वन मोल ईच ऑफ PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर टेकन, तीनों के अभी देखो वन मोल है, अब तीनों के वन मोल लिए तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम बाद में आएगा। So, when the equilibrium is established, molar concentration Cl2 is found to be 1.5 molar. Calculate the equilibrium constant for the reaction. अब देखो क्या है हमारे पास, PCl3 plus Cl2 gives PCl5. ये reaction है, और इस reaction में actually reverse reaction दिया, वही ले लेते हैं, उस रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, इसका नहीं निकालना, इसकी रिवर्स, ये रिएक्शन जो है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है, और सभी का वन मोल दिया है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, सभी के वन वन मोल्स हैं। देखो Cl2 इज फाउंड टू बी 1.5 मोलार एट इक्विलिब्रियम, अभी Cl देखो वॉल्यूम कितना 1 लीटर है, तो अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन Cl2 का 1 मोलार है, लेकिन वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम अच्छा
रिएक्टेड और फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, रिएक्टेड और फॉर्म, तो मान लो इसका एक्स मोल रिएक्ट किया, तो अगर इसका एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा एक्स, और इसका भी कितना बनेगा एक्स, तो एट इक्विलिब्रियम कितना कितना आएगा बताओ? तो पीसीएल फाइव जो है वो तो रिएक्ट हो रहा है, तो उसका हो जाएगा वन माइनस एक्स, लेकिन पीसीएल थ्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, और सीएल टू भी बन रहा है तो वन ऑलरेडी था एक्स और आ रहा है मतलब वन प्लस, तो ये तीनों के क्या आ गए हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए। नाउ ये हमें वैल्यू पता है, 1 प्लस एक्स कितना दिया यार, उन्होंने बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन 1.5 मोलार, वॉल्यूम 1 लीटर है मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1.5, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो x है वो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 0.5, तो इसको जब सब्सिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1.5, एंड यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो तीनों के हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई बिकॉज नंबर ऑफ फोर्स तो वन है, तो KC क्या हो जाएगा, KC इज 1.5 × 1.5 / 0.5, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो दैट इज नथिंग बट 4.5। ओके, तो इस रिएक्शन का ये KC आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बोथ मेटल्स मैग्नीशियम एंड आयरन कैन रिड्यूस कॉपर मेटल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग कॉपर कॉन्सेंट्रेशन। सिद्धार्थ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी उसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड क्यों हो रही है, क्योंकि Cl2 का इनिशियल तो 1 था, लेकिन बाद में वो क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम पे 1.5 मोल्स आया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या तीनों के मोल्स थे ना, तो ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, किधर भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम पर वो क्या बोल रहा है, Cl2 का 1.5 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मैं बोल सकता 1.5 मोल है, तो 1 से 1.5 मोल हुआ, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है ना। Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं मतलब फॉरवर्ड, अगर नंबर ऑफ मोल्स Cl2 के कम हो रहे होते हैं तो बैकवर्ड। नहीं नहीं सिद्धार्थ, वैसे नहीं बोल सकते। नाउ 16 में क्या है, बोथ मेटल्स मैग्नीशियम एंड आयरन कैन रिड्यूस कॉपर मेटल फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग कॉपर दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई है, Mg सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu। इस रिएक्शन का हमें K दिया है 6 × 10⁻¹⁹। एंड इसी टाइप से आयरन वाली रिएक्शन जो है उसका भी हमें के दिया है 2 जो है मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको दिया हमें 3 × 10⁻²⁰। तो क्या बोल रहा है कि विच मेटल विल रिमूव क्यूप्रिक आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट हुई है बताओ, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन का के जो है, इसको अगर मैं K1 बोलता हूँ और इसको K2 बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली K1 इज ग्रेटर देन K2। इसका मतलब क्या है, तो कि फर्स्ट रिएक्शन जो है ज्यादा कंप्लीट हुआ है,
ओके तो फर्स्ट रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट हुआ है, हम बोल सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू ज्यादा सीयू टू पॉजिटिव जो है वो सीयू में कन्वर्ट हुआ, ओके बिकॉज उसका के जो है वो ज्यादा है. मतलब आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा एक्सटेंट तक क्या करेगा, क्यूप्रिक आयन को रिमूव करेगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 17. तो इन ए स्टडी ऑफ मेटल सॉरी इन ए स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस 2B गिव्स 3C प्लस D. A एंड B आर मिक्स्ड इन ए वेसल एट 3 डिग्री. द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्वाइस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अब देखो कॉन्सेंट्रेशन डबल है, इसका मतलब क्या मोल्स भी डबल होंगे. तो इनिशियल मोल्स जो हैं, वो बोल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो अगर हम इसका ए मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल्स, तो इसका क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए. ओके बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन डबल है और इनका कुछ बना नहीं है इनिशियली. नाउ जब इक्विलिब्रियम हुआ तो देखो इसका हम बोल देते हैं कि एक्स मोल रिएक्ट हुआ, तो बचा कितना 2a माइनस x. अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो b का कितना मोल करेगा, देखो दोनों का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन सेम है ना, तो b का भी x मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बचेगा a माइनस x. इसके अलावा c का भी कितना बनेगा, देखो तो 2 से बनता है 3, 2 से कितना बनता है 3, तो x से कितना बनेगा, x से बनेगा 3x by 2. और d का फिर कितना बनेगा, d का बनेगा x by 2. तो हमें इक्विलिब्रियम पर क्या मिल गए, सभी के मोल्स मिल गए. नाउ वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम यस सिद्धार्थ हम एक्स की अगर 2x भी ले सकते हैं तो उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लो. तो आफ्टर इक्विलिब्रियम इज दिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज 3 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बोल रहा है थ्री टाइम्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के, मतलब नंबर ऑफ मोल्स थ्री टाइम्स. सो 3x बाई 2 जो है इट इज 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस. तो यहां से देखो a और x में रिलेशन आएगा, क्या आएगा, तो इट इज 3x बाई 2 इज इक्वल टू 3a माइनस 3x. सो यहां से हम देख सकते हैं 9x by 2 is equal to क्या हो गया 3a हो गया शायद. तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ जाएगी 2a by 3. ओके ये x की वैल्यू आ गई. तो x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ a. नाउ हमें क्या निकालना है यार, हमें निकालना है kc. ओके सो kc निकालना है. तो देखो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, x बाई 2 कितना आ जाएगा, ये चलो डायरेक्ट देख लेते हैं. तो व्हाट इज kc, अच्छा वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे वैसे, चलो देख लेते फिर भी. तो वॉल्यूम हमें कुछ दिया नहीं, v वॉल्यूम मान लेते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c क्या होगा, 3x बाई 2. सो 3 बाई 2 x कितना है, इट इज 2a बाई 3 डिवाइड बाय वॉल्यूम भी ले लेते हैं, रेस टू 3. इसके साथ साथ डी का कितना है, एक्स बाई 2 एक्स इज 2a बाय 3 एंड उसको 2 से डिवाइड भी करना है, साथ साथ वॉल्यूम भी लेंगे. देन 2a माइनस x, तो 2a माइनस x कितना हो जाएगा,
टू ए माइनस एक्स हो जाएगा टू ए माइनस टू ए बाई थ्री, तो इट इज फोर ए बाय थ्री, वॉल्यूम भी लिया एंड देन टू बी, मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स कितना होगा ए बाय थ्री हो जाएगा, तो ए बाय थ्री एंड साथ में ऑब्वियसली वॉल्यूम भी लेना है। तो यहां से देखो बी से तो बी कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ साथ ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर ए रेज टू फोर आएगा, नीचे भी अगर हम देखें सॉरी ये स्क्वायर है, नीचे भी ए रेज टू फोर आएगा, ठीक है। तो वी भी कैंसिल आउट होगा, ए भी कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, बचा देखो टू से टू कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, तो ए ये वन बचा, ये वन हो गया, देन इधर वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, नाइन बाय सिक्सटीन, इसके अलावा दिस इज ऑल्सो नाइन, आई थिंक ये आ रहा है, एटी वन बाय फोर्टी एट आएगा, ठीक है देख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मोस्टली ये आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कैन ए मिक्सचर कंसिस्टिंग टू मोल ऑफ ओ टू, वन मोल ऑफ एसओ टू एंड एट मोल ऑफ एसओ थ्री बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली इन ए 10 लीटर फ्लास्क एट ए टेम्परेचर एट विच केस इज दिस। बेसिकली ये बोलना चाहता है, देखो एक हमने कुछ मोल्ड्स लिए हुए हैं और वो हमेशा वही रहेंगे, वो हमेशा वही सब रह सकते हैं जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर, बिकॉज इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर आ गया देन रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकती, या हम बोल सकते आगे रिएक्शन जाएगी, है ना, कॉन्स्टेंट ही रहने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम है या नहीं, ओके। तो ट्वाइस एसओ टू प्लस ओ टू गिव्स ट्वाइस एसओ थ्री, सो इस रिएक्शन का क्यू क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियसली एसओ थ्री कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एसओ टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड ओ टू कॉन्सेंट्रेशन। सो एसओ थ्री का कितना है, एसओ थ्री का सिक्स मोल दिया है, तो सिक्स बाय टेन का स्क्वायर, एसओ टू का कितना दिया है वन दिया है, सो वन बाय टेन एंड ओबियसली इसका स्क्वायर, एंड ओ टू का कितना है, ओ टू इज टू, सो टू बाय टेन। तो कितना आएगा ये, इट इज थर्टी टू इंटू फाइव आई थिंक, SO3 का कितना दिया 8 दिया है, ओके SO3 का 8 दिया है, तो SO3 का 8 दिया है, ओके सो कितना हो जाएगा ये 64, सो 320 आ गया ना, तो Q जो है वो 320 है एंड KC कितना है 100 है, तो ऑब्वियसली Q ग्रेटर देन KC है, इसका मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं, तो रिएक्शन क्या जाएगी बैकवर्ड जाए, ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। जब क्यू लेस देन के हो तो फॉरवर्ड, जब क्यू ग्रेटर देन के हो तो बैकवर्ड, तो यहां पर क्यू ग्रेटर देन के आ रहा है, दैट्स व्हाई बैकवर्ड रिएक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सो ए 50 लीटर रिएक्शन वेसल कंटेन्स वन मोल ऑफ एन टू, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन इसका के दिया है,
ये कितना दिया है इसका? अच्छा इसके साथ 1 mole of N2 दिया है, 3 mole of H2 दिया है एंड 0.5 mole of NH3 दिया है, इसके साथ साथ K दिया हमें, K कितना दिया है? इट इज 0.5। तो हमें यही बताना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या किसी दूसरे पॉइंट पर है या किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? तो व्हाट इज Q? सो Q इज 0.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 50 लीटर। तो 0.5/50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/50 एंड 3/50 का पावर 3। तो कितना आया ये? सो दिस इज 150 वाले पार्ट कैंसिल आउट हो गए, सो इट इज 50 का स्क्वायर, हम बोल सकते 2500। इसके साथ साथ 0.5 × 0.5 एंड देन डिवाइड बाय हमारे पास 27 भी आएगा। तो कितना हुआ ये? दिस इज आई थिंक 625/27, ठीक है? सो ऑब्वियसली ये 25 से थोड़ा कम वैल्यू आएगा। अच्छा K कितना दिया? K इज 0.5, तो ऑब्वियसली Q जो है ग्रेटर देन K सी आ रहा है ना? तो ये रिएक्शन भी क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। ओके, तो बैकवर्ड जाएगी, इसका मतलब क्या है? NH3 जो है वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा, ठीक है? वही पूछा है, विल मोर NH3 बी फॉर्म और विल इट डिसोसिएटेड व्हेन द मिक्सचर गोज टू द इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये रिएक्शन क्या चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस एट दिस केल्विन इज फाउंड टू बी दिस, वेयर द एक्सपेक्टेड प्रेशर इज दिस। तो देखो I2 का प्रेशर होना चाहिए था 0.074, लेकिन प्रेशर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि उसने एक रिएक्शन हो गई I2 की, तो I2 की जो रिएक्शन है वो हो गई है और उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, एक I2 जो है वो 2I देता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये जो है 0.074 ये आना चाहिए था प्रेशर, वो प्रेशर कब आता? जब ये डिसोसिएट नहीं होता, जब जस्ट I2 ऐसे ही होता, बट ये डिसोसिएट हो गया, ठीक है? तो इनिशियली I का कोई प्रेशर नहीं, I2 का इतना है, लेकिन डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? तो मान लो इसका प्रेशर कम हुआ है इक्विलिब्रियम पी, ठीक है? तो इसका प्रेशर पी अगर कम हुआ तो 1:2 रेशियो है ना, तो 1:2 रेशियो, तो पी की वजह से कितना आ जाएगा इसका पार्शियल प्रेशर? 2P आ जाएगा। तो अभी टोटल प्रेशर हमें पता है कितना हो गया है, इतना होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली अभी डिसोसिएशन हो गया तो टोटल प्रेशर देखो इससे ज्यादा आएगा। इट इज 0.074 - P + 2P, तो कितना हो गया? 0.074 + P है ना, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ गया, हम देख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी है? 0.112 दी है। सो व्हाट इज पी? ये कितना आ गया? इट इज 0.112 - 0.074, सो दिस इज नथिंग बट 0.038 atm जो है हमारे पास पी हो गया। तो क्या हो जाएगा केपी? तो केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आई का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आई। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ आई कितना हो गया? 2 times of P, मतलब 2 times of 0.038, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना होगा? 0.074 - 0.038। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? केपी आ जाएगा। Now question number 21. So for the reaction NOBR gives NO plus half Br2 gas
केपी दिया है, इसका कितना दिया है केपी, केपी 0.15 एटीएम एट 90 डिग्री, कि 0.5 एटीएम ऑफ एनओ बी आर, 0.4 एटीएम ऑफ एनओ एंड 0.2 एटीएम ऑफ बी आर टू आर मिक्स एट दिस टेम्परेचर। तो देखो हमें यहाँ पर तीनों का प्रेशर दिया है, तीनों का कितना प्रेशर दिया है, एनओ बी आर का दिया है 0.5 एटीएम, एनओ का कितना दिया है, एनओ का दिया है 0.4 एटीएम, बीआर टू का कितना दिया 0.28। सो ऑब्वियसली क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बीआर टू रेज टू हाफ डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ बीआर। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ मीन्स 0.4 इनटू बीआर टू रेज टू हाफ मीन्स 0.2 रेज टू हाफ डिवाइड बाय एनओ बीआर मीन्स 0.5। तो ये कितना आया, दिस इज 4/5 एंड रूट ऑफ 0.2, सो 4/5 इज हो गया 0.8 एंड रूट ऑफ 0.2 मीन्स 0.20 का रूट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 0.4, ठीक है 0.4 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो कितना आ गया ये 0.32 आ गया। सो ऑब्वियसली क्यू ग्रेटर देन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब रिएक्शन क्या आ जाएगी, बैकवर्ड जाएगा। ओके सो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला है कि बी आर टू कंज्यूम होगा या फॉर्म होगा, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो बी आर टू जो है कंज्यूम। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 22, तो इन 10 लीटर मिक्सचर ऑफ H2I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम देर आर दिस मच मोल्स ऑफ H2I2 एंड HI। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम दिया हुआ है H2I2 एंड HI, ठीक है ये हमारे पास मान लो रिएक्शन है। तो H2 के कितने मोल्स हैं, H2 के मोल्स हैं 0.1 I2 के मोल्स कितने हैं, I2 के मोल्स जो है वो भी 0.1 है एंड HI के मोल्स कितने हैं वो है 0.7, ठीक है। तो तीनों के हमें यहां पर क्या दिए मोल्स दिए और ये हमें उन्होंने इक्विलिब्रियम पे दिया, ठीक है ये सब किस पे दिया है इक्विलिब्रियम। तो अब ऑब्वियसली इसको यूज करके हम KC निकाल सकते हैं। अच्छा बाद में वो क्या बोल रहा है कि 0.5 मोल्स HI बाद में ऐड करेंगे, तो नया जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा फंक्शन, ठीक है। तो देखो अभी इक्विलिब्रियम जब है तो KC क्या है, HI कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय H2 कॉन्सेंट्रेशन एंड I2 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से क्या आ गया है, ये हमारे पास हो गया ऑब्वियसली वी से वी कैंसिल आउट हो गया, सो इट इज 0.74 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.01, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है दिस इज KC। तो ये हमारे पास KC आ गया। नाउ अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिल गया, अब वो क्या बोल रहा है कि हमने अगर 0.5 मोल्स HI ऐड कर दिए, तो 0.5 मोल्स HI ऐड कर देंगे तो अभी हमारे पास न्यू मोल्स कितने हो जाएंगे, न्यू मोल्स जो है इसके 0.1 ही है, इसके 0.1 और इसका HI का कितना मोल्स ले लिया हमने, HI का हमने 0.5 मोल और ले लिया, तो 0.74 तो पहले से 0.5 और ले लिया, तो कितना हो गया इट इज 1.24 मोल। अभी देखो अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम है कि नहीं, और इक्विलिब्रियम अगर नहीं है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी देखते हैं। तो
क्यू देखो अभी क्या हो गया, इट इज 1.24 बाय वी का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 बाय वी एंड 0.1 बाय वी। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.24 इंटू 124, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू से ग्रेटर है, तो क्यू ग्रेटर देन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन अभी क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ओके, जब हमने एच आई एड कर दिया है तो हम देख रहे हैं कि यार क्यू ग्रेटर देन के हो गया है, तो क्यू का ग्रेटर देन के होने की वजह से, क्यू ग्रेटर देन के होने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभी बैकवर्ड हो जाएगी, और बैकवर्ड होने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी तो कुछ टाइम बाद फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, तो जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू एंड आई टू एंड एच थ्री, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं फिर से इक्विलिब्रियम अकाज कैसे आता है। तो अब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो एच टू प्लस आई टू गिव्स एच आई, ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। अभी हमारे पास क्या है, इसके 0.1 मोल है, इसके 0.1 मोल है, और इसके कितने हैं, 1.24, ठीक है। नाउ ये रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो मान लो इसका एक्स मोल रिएक्ट कर गया, इसका कितना मोल रिएक्ट कर गया, एक्स मोल। तो अगर इसका एक्स मोल रिएक्ट करेगा तो बताओ इन दोनों का कितना बनेगा, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, ये रिएक्टेड और फॉर्म, और यहाँ पर फिर से जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। हाँ, सो इसका मान लो एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना बनेगा, इसका एक्स ही बनेगा ना, कि एक्स बाय टू। अगर एच आई का एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है जब बैकवर्ड जा रही है तो आई टू का कितना मोल बनेगा, एच आई और आई टू का रेशियो क्या है, एच आई का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2 है और आई टू का 1 है, तो 2 मोल से 1 मोल बनता है, 2 से 1 बनता है, तो x के रिएक्ट करने से कितना बनेगा, x के रिएक्ट करने से कितना बनेगा भाई, अरे स्टोइकोमेट्रिक नहीं आता है क्या, 2 मोल से 1 मोल बनता है तो x से कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड लगाओ ना, 2 से 1 बनता है, 2 पेंसिल 1 रुपए की, तो x पेंसिल कितने की, तो 2 से 1 बनता है तो x से कितना बनेगा, x by 2, यहां पर भी 2 से 1 बनता है तो x से कितना बनेगा, x by 2, ठीक है। तो si के इनिशियल मोल्स ये हैं, उसमें से इतना रिएक्ट कर गया, बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, तो रिएक्ट कर गया तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, 1.24 माइनस x होगा, ठीक है। तो जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो ये रिएक्टेड और फॉर्म है, एंड जब फिर से इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, तो 1.24 में से एक्स रिएक्ट कर गया तो इसका इतना बचा, इसके अलावा ये दोनों बने हैं, ठीक है, इनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, इसका भी 0.1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो इस तीनों का हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम फिर से आ गया तो ऑब्वियसली हम सब डायरेक्ट केसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 1.24 माइनस एक्स बाय वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 प्लस एक्स बाय 2 बाय वॉल्यूम, एंड दिस इज आल्सो 0.1 प्लस एक्स बाय 2 बाय वॉल्यूम, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो केसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, केसी हमारे पास क्या है इस रिएक्शन के लिए, इट इज 0.74 इंटू 74, जो भी वैल्यू है देख लेना, तो केसी हमें पता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी से तो वी कैंसिल आउट हो गया, तो 1.24 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 प्लस एक्स बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो इसका हमें क्या करना है, ऑब्वियसली सॉल्व करना है, तो दोनों साइड अंडर रूट लेके सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों साइड अगर तुम इसको अंडर रूट ले लेते हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7.4, राइट हैंड साइड आ गया 1.24 माइनस एक्स
डिवाइड बाय 0.1 प्लस एक्स फाइव, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से हमें x मिल जाएगा, और x मिल गया तो ऑब्वियसली तीनों के मोल्स मिल जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, तीनों के मोल्स मिल गए इक्विलिब्रियम पे तो Kc एंड सॉरी तीनों के मोल्स मिल गए तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन निकालना, Kc तो हमें पता ही, ठीक है। तीनों के मोल्स आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, देन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 तो एक्चुअली क्लास में हमने पहले ऑब्जेक्टिव में भी कराया, सेम वही है। Kc दिया हमें PCl5 is PCl3 plus Cl2 का, तो वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 मस्ट बी एडेड टू 3 लीटर फ्लास्क टू ऑब्टेन Cl2 कॉन्सेंट्रेशन दिस। तो इसका मान लो इनिशियली A मोल्स दिया, इसका 0.0 है एंड एट इक्विलिब्रियम हमारे पास मान लो x मोल रिएक्ट कर गया तो बचा कितना A-x, इसका x आ गया इसका x आ गया, और वो Cl2 का हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है 0.15, तो कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है तो ऑब्वियसली उससे नंबर ऑफ मोल्स में बता सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.15 तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 3 लीटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.45, ओके सो x इज 0.45, तो यहाँ से ये क्या आ गया, दिस इज 0.45 एंड ये कितना आ जाएगा A-0.45, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज Kc, तो Kc इज गिवन एज 0.04, सो Kc इज 0.04, इट इज इक्वल टू 0.45 बाय वॉल्यूम इनटू 0.45 बाय वॉल्यूम, जो कि हमें ऑलरेडी पता है वैसे, डिवाइड बाय A-0.45 बाय वॉल्यूम, सो यहां से क्या हुआ, दिस इज 0.04 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 0.45 डिवाइड बाय A-0.45, तो यहां से सॉल्व करके A मिल जाए, ठीक है, और वही हमें निकाल। तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, दिस इज 4A-1.8 इज इक्वल टू 6.75 आए, ठीक है। तो उसको आगे तुम सॉल्व कर सकते, तो यहां से हमें A मिल जाएगा। Okay, so this was question number 23. Then question number 24. So a mixture of 0.373 atm of NO gas, 0.31 atm of Cl2 gas is prepared at 500 Kelvin. The reaction this takes place. The total pressure at equilibrium is 0.544 atm. तो देखो हमारे पास NO एंड Cl2 दिया है, तो ट्वाइस NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स ट्वाइस NO Cl गैस, तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का हमें Kp निकालना, इनिशियली प्रेशर दिया हमें NO का कितना दिया है, NO का दिया 0.373 एंड Cl2 का दिया है 0.31, then at equilibrium मान लो इसका partial pressure जो है Cl2 का वो P कम होगा, तो NO का कितना कम होगा 2P and NOCl का कितना pressure आ जाएगा फिर 2P आ जाएगा, तो total pressure अभी कितना हो गया, it is 0.373 minus 2P plus 0.31 minus P plus 2P, तो 2P से 2P cancel out हो गया, तो it is 0.683 माइनस पी, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये वैल्यू कितनी दी है 0.683
544। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 0.039 आ जाएगी। नो नॉट 0.139। ओके सो ये आ जाएगा P। तो अगर P का वैल्यू आ गया देन ऑब्वियसली KP आ जाएगा। व्हाट इज KP? तो KP इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। सो व्हाट इज 2P? इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0.139। तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO क्या आ जाएगा, इट इज 0.373 माइनस 0.139। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट Cl2? इट इज 0.31 माइनस 0.139। ओके सो ये KP आ जाएगा। So this is question number 24. Okay, so time हो गया है, तो हमने 1 to 24 जो है वो discuss कर लिया foundation builder subjective का। Now बाकी question जो है बाद में कभी करेंगे, ठीक है? काफी लोगों ने तो actually solve भी नहीं किया ऐसा लग रहा है, तो मतलब ही क्या बनता है फिर discussion करने का, ठीक है? चलो लेक्चर एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर देंगे, स्लाइड भी सेंड कर देंगे।